तो दोनों रूम का साफ सफाई कर दिए हैं और इधर छत का पूरा साफ कर दिए हैं, देख रहे हैं। और चलती हूँ नीचे, नीचे भी साफ सफाई बहुत सारा करना है। फिर इधर बैठिए, देख रहे हैं धीरे धीरे सब साफ होगा। बाबू जी इधर बैठे हैं। हाँ लाला जी के सब चले चटी का हो ये ग्वाल भी है। हमरा सीढ़िया पर हम लोग बैठे हैं। उन्हें जगह है ना? हाँ जहाँ तहाँ अपन रास्ता धो लिए हमसे। हाँ देख नहीं कि बाबूजी के लगे बैठल भी है। हाँ तो दीदी पूजा करने के लिए आ गई शंकर जी। अभी देखिए हम इनियों के सवेरे से साफे करता नहीं सर। ऐसा अभी देखा था नहीं घास वो सब यहाँ के सवेरे से आ गई बनिए ने। और देखिए सब सब घास वास निकाल रहे हैं, साफ करेंगे लाला जी। सब सामान सूख रहा है बारिश के ना होने की वजह से। हाँ कटवा दिया ही कोई से। तो शंकर जी तो कर ही लो। शंकर जी से कही कि शंकर जी बारिश करवाई। हाँ शंकर जी को मतलब बोलेंगे सभी मिल के कि शंकर जी पानी करवाइए बारिश। काची कहा ले बाजी हर परौली। हाँ अब देखिए जहाँ ना रहे तहाँ ओजी गोनी है तो ओजी हुए हाल, ओजिया गोनी है तो ओजिया हुए हाल घर द्वार के। हाँ हर दिल्ली में पानी होता वही घड़ी भैल बाढ़ आ गई बा। बाढ़ आ गई बा लेकिन जमुना जी में बाढ़ आई बा। बारिश नहीं होता अभी जमुना जी का परिया लोग डूब गए बा। हां हमनी कर लिखे आई जे खलारो का ओकरा के राज ए बरा। हां ए बरा के अकाल। हां आज तो है ना ले हो ए बाप जी। देखी ना कुली दैया नो राजकुमार जैसा के घर ही ता तालो दिन धरे तो जाता नहीं देखे। ठीक हां बाबू चलक दे दी 250 ग्राम सुपर कुछ ना हो जाए इनकरा। हां सूरज देखे। हां छेका बाटे छेका बाय बरा खाए के बाय। 12 बजे भोर से मंदिर में पूजा हो रहा है। केला देख रहे हैं कितना खूबसूरत हो गया है। ये देखिए आप लोग भी शिव जी का दर्शन कर लीजिए। काफी दिन से मैं नहीं दिखाई। सारा जितना दिख रहा है ना ईंट पत्थर सब पे मिट्टी भरा गया था। सब बारिश हुआ है ना सब बह के चला गया। कहता नहीं सब ईंट वाला के लगल गाय खा जी अंसा। अभी मंदिर का और द्वार का साफ सफाई कर रहे हैं। मंदिर के आसपास का सारा साफ एक महीने में कितना बदलाव हो गया है भाई। ये देख रहे हैं कितना बड़ा पेड़ हो गया है। बाप रे शादी है भाई। आते ही शादी का मुहूर्त मिल गया। भोज भी मिल गया ना। हाथ मत लगाए। Oh,
भाई सब्जी का भी इंतजाम हम लोग कर रहे हैं, सब्जी बनाएंगे। बच्चे बोले हैं कि साफ सफाई मत कीजिएगा, हम लोग आएंगे तब होगा। आई देखिए लाला जी मान नहीं रहे, बोल रहे हैं कि करूँगा, कितना करेंगे वो लोग, उन लोगों के पास बहुत काम है। सारा कुमड़ा को ऊपर चढ़ा दिए हम लोग, ये कुमड़ा नीचे पूरा फैल गया था, नहीं रहने से बहुत फैल जाता है, मिर्च खराब हो गया ना जी। भाई गर्मी बहुत है, लाला जी पसीना पसीना हो गए पूरा, मच्छर कई तरह के काट लेना सा। भाई मंदिर के आसपास द्वार जितना भी था सबको घास निकाल चुके हैं, अब फेंकना बाकी है। भाई जितना भी था इधर का सब साफ कर दिए हैं लाला जी, थोड़ा बहुत मैं की हूँ, अब अंदर चलती हूँ दिखाती हूँ कोलाई का दृश्य। इतना तो हम लोग कल साफ किए थे आके बैठने के लिए ना जी। ये देखिए, ये देख रहे हैं कितने तरह का कीड़े मकोड़े। मैं बोल रही हूँ कि फूल कपड़ा पहन लीजिए तो बोल रहे हैं नहीं, गर्मी लग रही है। केलवा के नू हाँ रह दी ओलवा है, आ केलवा बड़ बड़का केलवा है। फिर से स्वर्ग बनाना पड़ेगा, जितने बार हम लोग एक महीने के लिए कहीं जाते हैं जी उतने बार हम लोगों को मेहनत करना पड़ता है। एक महीने के लिए ना मतलब दिल्ली से ना 10 गुना ज़्यादा गंदगी फैलता है, दिल्ली वाला रूम में तो आप लोग देखे हैं ना, उससे 10 गुना मतलब गंदगी इसमें फैल जाता है। तो चलिए चलते हैं, मैं चारों तरफ का व्यू दे दी आप लोगों को कि जो स्वर्ग देखते हैं ना वो कुछ ही दिनों में ऐसा हो जाता है। अब बाहर का भी तो देखे ना क्या हाल था, अभी इंतजाम करना है तो पुराना सूट में डाली हूँ, वही डाल के साफ सफाई करेंगे, नहीं रहने से सब जगह मच्छर इतने तरह के काट रहे हैं। अभी देखिए खेतों में मक्का दीदी बो दी है इधर, अब वो वाला खेत में देखिए पीला पीला आपको फूल दिख रहा होगा, तो ये सब क्या हुआ है, ये सब नहीं रहने से ना गंदगी हो जाता है, कोई नई बात नहीं है, तो हम लोगों के लिए पुरानी बात हो चुकी है। ये देख रहे हैं कैसा ये बांस का निकला है, ये देख रहे हैं इसमें से ऊपर से कीड़े मकोड़े होते हैं ना वो खाते हैं बांस को। तो दोस्तों अभी हम लोग इतना सारा घास उखाड़ लिए हैं, डर भी लग रहा है, अभी देखिए कितना सारा घास उखाड़ लिए पूरा इधर का उधर का। ये देखिए अभी एक कुदारी ले आई हूँ, एक गुलाब का पौधा है हमारे पास, वो काफ़ी दिनों से एक भी फूल नहीं दिया है और बहुत सारा कांटा हो गया था, इसको छांटेंगे लाला जी, छांटेंगे हाँ कोड़ देंगे। पेड़ पौधों का भी छटाई करता रहना जरूरी भी है। हाँ इसको तो छांट के गए थे ना जी। क्या करेंगे ऐसी, ये जितना भी एरिया था ना सब जंगल था, जंगल को काट के स्वर्ग बनाए थे, जब एक महीना कहीं चले जाते हैं तो फिर हो जाता है जंगल 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 मंगल मंगल। तो ज़्यादा इसमें ना वो हो जाते हैं ना तो हवा नहीं आता है, देख रहे हैं कितना पत्ता है, बहुत सी सब्जियां लगा के गए थे ना रहने के कारण ना खराब हो जाता है, एक जगह इंसान रह भी नहीं सकता है, कहीं जरूरत पड़ गई कहीं कुछ है तो जाना ही पड़ेगा, कभी बच्चों का ही जरूरत है तो जाना पड़ेगा। हाँ अब यहाँ पे हम कितने दिनों से थे, जब से घर बनवा रहे थे तब से कहीं गए ही नहीं थे। बोल रही हूँ लाला जी क्योंकि हिला हिला कर तब कहीं जाइएगा, मेरे को डर लग रहा है, मैं चारों तरफ जगह पर ध्यान रख रही हूँ। इस पर भी पन्नी लगा था, देख रहे हैं
कौन ची जलेबी के पौधा जलेबी के निकाल दी का करें एक एक रही बहुत बार एक और रखते रहे एक कोना एक और रखते रहे रख ली बाकी सब के उखाड़ दे जलेबी का पौधा निकला हुआ है लाला जी का फेवरेट फ्रूट है खाए थे इस साल दवा के ना ये खरी वो तोड़ के लाए थे खाए थे इधर बीज फेंके थे तो जग गया उग गया है जग गया है बोल रही हूँ इस पे देखिए क्या क्या हुआ है इस वाला ठटर पर सेम चल गया है सेम सर्दियों में फलेगा और उस पे का सकालू ना जी सकालू चढ़ा हुआ है वो सकालू लाला जी ना बनारस से लेके आए थे अभी जाएंगे ना वहाँ तरह तरह का ये सब पौधा ढूंढने में लगे रहते हैं तो सकालू बनारस से लेके आए थे ये कभी दिखाती हूँ जिमीकंद देखिएगा कितना बड़ा हुआ है ये देख रहे हैं ये जिमीकंद दिल्ली से लेके आए हैं इसका बीज ये इतना बड़ा हो गया है छोटा आम का पेड़ हो गया है ना जी इसमें कम से कम 10 किलो का हो जी 10 किलो से ज़्यादा ही होई हाँ एलिफेंट फूड एलिफेंट फूड 10 किलो का है लेकिन 7-8 किलो का तो हो गया करेला का पौधा लगा के गए थे करेला इस साल हमारा बिल्कुल अच्छा नहीं है पिछले साल इतना था कि पूरा मोहल्ला खाया तो तारा भुजिया लगते ही ना इस साल हमारा करेला बिल्कुल बिगड़ गया ना जी नहीं थे तो सेवा पानी नहीं कर पाए सब्जियां का इंतजाम मैं कर रही हूँ सब्जी बनाऊंगी अभी फूल ले लेती हूँ और पत्ते लिए हैं कुमड़ा का ऐसी करके हम लोग आदि मानव बन गए हैं एक तो बारिश नहीं हुआ है दोस्तों गांव में सारा चीज जल रहा है सारा जितना भी धान का बीज वगैरह सब जल रहा है सब्जियां इकट्ठा कर रही हूं मैं से बोले पापा अभी सुबह भी फोन किए बोल रहे पापा साफ सफाई बिल्कुल नहीं कीजिएगा हम लोग आएंगे तो करेंगे और आपका हेल्प हो जाएगा ये बोल रहे हैं हाँ हाँ नहीं करेंगे अब देखिए ये सुबह से लग गए बोल रहे हैं कि मैं मेरे से बोल रहे हैं कि मैं करूँगा क्या मुझे अच्छा ही नहीं लगेगा बड़ी आलस आ रहा है पता नहीं क्यों जब मैं काम देखती हूँ ना बिखरा हुआ तो मेरे को और टेंशन हो हेडेक हो जाता है दिमाग में पर हेडेक नहीं लेना है क्योंकि कैमरामैन हमारे पास है नहीं हैं आराम आराम से सफाई करेंगे जब आएगा कैमरामैन तब देखेंगे हमारे बहुत से दोस्त परेशान थे कि कब जाइएगा अनीता जी हम दोस्तों इसी डर के मारे नहीं आ रहे थे किसको राम अच्छे नहीं लगते हैं किसको शहर अच्छा नहीं लगता है लगता है बहुत से लोगों को हमको भी लगता है कुछ दिनों के लिए ज़्यादा दिनों के लिए नहीं वैसे देखिए मेरे को शहर पसंद नहीं है लेकिन कभी कदार के लिए तो ठीक है ये देख रहे हैं ये है गुलाब फूल है गुलाब का सुगंध ले लीजिए कितना मेहनत लग रहा है इनको खींचने में निकाल ही दिए अब इसका कटिंग करके लगाएंगे तो चूल्हा जल गया है जल गई मुठी जो एक बार सब सवाल कर गई दो तीन जो करेला निकला था उसका भुजिया बना ली हूँ देखिए भिंडी भी बना रही हूँ ये सब तो फेंकना है लेकिन जहाँ फेंकना है ना वहाँ पे शादी है तो इसलिए नहीं जा रहे हैं लाला जी क्या कर रहे हैं भाई अमरुद दो तीन तोड़ेंगे अमरुद तो वैसे है नहीं दो दिख रहा है वहाँ पे तोड़ेंगे और जो भी होगा ना अभी छोटा छोटा एक दो है ना जी ये देख रहे हैं एक दो है तो उसको तोड़ रहे हैं ये देखिए अमरुद है नहीं इतना फला था पता नहीं कहाँ गिर गया कि क्या हुआ बंदर खा गए बहुत अमरुद फला था लेकिन अभी अमरुदे नहीं है बंदर अंदर खा गए लग रहा आज ये जो छोटा छोटा एक दुक्का बचा हुआ है उसको पकने का इंतजार करेंगे हम लोग पका उसको छोड़ दिए हैं किसी और दिन तोड़ेंगे बाकी 5-7 छोटे छोटे साइज के हैं बस पता नहीं सारे खा गए बंदर आज के सलाद में हमारे पास दो अमरूद है एक प्याज है भुजिया करेला का भुजिया बनाएंगे तोरी वाला दाल हांडी वाला चावल
मतलब कुछ अभी साफ सफाई नहीं है, फिर भी पेट पूजा तो करना ही है, तो करते करते एक बज गया है, तो अब हो गया लंच, तो हम लोग खा लेते हैं। नहा ली हूँ मैं भी, ऐसी थोड़ा सा धूल मिट्टी मिट्टी हो गया था इसलिए नहा ली। गर्मी बहुत है, पर आज साड़ी किस लिए पहनी है कि बगल में ना एक शादी छः का है तो उसी में जाना है, तो इसीलिए साड़ी पहन ली हूँ अभी से ही, और बाद में जब जाना होगा तो चली जाऊँगी। गर्मी बहुत है, बहुत गर्मी है।